लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की होगी समीक्षा। आज चुनाव की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। तो परिणाम के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। चुनाव की समीक्षा के साथ कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ देखिए बैठकें हो रही हैं और आज भी अहम बैठक होनी है। आज चुनाव की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता आलोक पांड्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आलोक, देखिए आज चुनाव की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जिस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा था उत्तर प्रदेश में, इसकी समीक्षा लगातार हो रही है, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, किस तरीके से इसे दुरुस्त किया जाए इसको लेकर के शायद हमारा संपर्क आलोक से नहीं बन पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है, यूपी में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा है, बैड परफॉर्मेंस को लेकर के ये बैठक बेहद अहम है। एक्शन मोड में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद होंगे, उनकी अध्यक्षता में, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही यह बैठक होगी। और एक्शन मोड में फिलहाल मुख्यमंत्री नजर आ रही है। तो देखिए, पहले जिस तरीके से समीक्षा की गई थी और लगातार देखिए ताबड़तोड़ बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज भी अहम बैठक 11 बजे होनी है। कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें सबसे अहम चुनाव परिणाम की समीक्षा और लोकभवन में ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। यूपी में बीजेपी के जो बैड परफॉर्मेंस को लेकर के बात हो रही है, लगातार चर्चाओं में उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है वो रहा है, इसके बाद किस तरीके से इसे दुरुस्त किया जाए, क्या वो मूलभूत चीजें हैं जिन पर काम करना है, या ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें जो गलत हुई उन्हें किस तरीके से दुरुस्त करना है, इसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। और कहां पे फेल्योर रहा है, क्या वो लूप होल्स रहे जिन पर काम किया जाना है, इसको लेकर के मंथन लगातार जारी है। तो चुनाव की समीक्षा के साथ ही लगातार देखिए किस तरीके से एक्शन मोड में योगी कैबिनेट नजर आ रही है, या फिर यू कहे सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो कैबिनेट की अहम बैठक 11 बजे शुरू होगी लोकभवन में, जहां बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस को लेकर के यहां पर मंथन होगा। हालांकि जिस तरीके से इस बार प्रदर्शन रहा है, उम्मीद से अगर कहें तो खराब प्रदर्शन यहां पर किया है बीजेपी ने। हालांकि सीएम योगी इसको लेकर के एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं की अध्यक्षता में तमाम जब कैबिनेट की यहां पर टीम पहुंचेगी, वो कहीं ना कहीं इस पर समीक्षा करेंगे, गहन चर्चा होगी, कहां कहां पर वो फेलियर रहा था जिसकी वजह से ये स्थिति आन पड़ी, और समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से इस स्थिति को और अधिक मजबूत किया जाए। हमारे साथ एक बार फिर से आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और हम ही क्यों, सभी की जबान पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। क्या वो लूप होल्स रहे, क्या वो फेलियर्स रहे जिसकी वजह से ये स्थिति आन पड़ी है। हालांकि आज इसको लेकर के अहम बैठक होनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। क्या इस बैठक को लेकर के अपडेट है और कौन कौन से प्रस्ताव? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चुनाव के बाद ये पहली योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है लोकसभा 2024 चुनाव के बाद। और महत्वपूर्ण बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक है, उसके लिए ये झटका देने वाला परिणाम रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जहां से उम्मीद थी वहीं से सबसे कम भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं। तो न सिर्फ कैबिनेट के प्रस्ताव और कैबिनेट के दूसरे विभागों की यहां पर कई प्रस्ताव हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, बल्कि दूसरी तरफ ये भी है कि जब कैबिनेट आज बैठेगी, 11 बजे के करीब बैठक है कैबिनेट की, तो उसमें जो आम चुनाव हुए हैं इसकी समीक्षा भी होगी, क्योंकि मंत्रियों को भी कहीं ना कहीं का दायित्व तो दिया गया था। बहुत सारे ऐसे मंत्री जो थे जो स्टार प्रचारक थे, दोनों डिप्टी सीएम स्टार प्रचारक थे, तो एक तौर पर सरकार के लहजे से किस तरीके का फीडबैक हो सकता है, मंत्रियों से फीडबैक,
वो जरूर लिया जाएगा और ये भी जरूर देखा जाएगा कि सरकार के जो कामकाज थे, सरकार खासतौर पर डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उन्हें जमीनी रूप देने में सरकार कितना सफल हुई या किस तरीके का फीडबैक रहा। इस लिहाज से भी योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक का महत्व है और कई ऐसे विभाग हैं जिनका प्रस्ताव रहेगा। साथ में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है तो उसको भी एक तौर पर धन्यवाद प्रस्ताव रहेगा किस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। और साथ में उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा कौन सा घटनाक्रम था, किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, सरकार की उसमें भूमिका क्या थी, सरकार के मंत्रियों की किस तरह की भूमिका थी, ये भी समीक्षा में शामिल है। जी बिल्कुल आलोक, और ऐसे में लगातार इस बात का भी जिक्र हो रहा है, पश्चिम की बात करें तो आरएलडी को पार्टी साथ लाई थी, जिससे ये कोशिश थी, ये मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि कहीं ना कहीं पश्चिम की जो स्थिति है उसे और अधिक मजबूत किया जाए। हालांकि खाली पश्चिम की जो तस्वीर है वो ही नहीं, पूर्वांचल में जो प्रदर्शन रहा वो भी कुछ एक्सपेक्टेशन के बराबर का नहीं रहा, वहां पर भी जो सोचा था वो नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए 7 चरणों के चुनाव में अगर जयंत चौधरी की हम बात करते हैं तो वो पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, उसके बाद वो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। पश्चिम में तुलनात्मक रूप से देखें, 2019 के तुलना में देखें तो फिर भी 2019 के आसपास ही रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को वो अवध क्षेत्र में और पूर्वांचल में हुआ है। और खास बात यह है कि जिस बात की कोशिश होती रही भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी और सरकार से भी कि 2019 में जिन लोकसभा सीटों को वो हारे थे पूर्वांचल में, या 2022 में जहां पर पूर्वांचल में जिन जिलों में खाता नहीं खुला था वहां पर खासतौर पर मेहनत करने की रणनीति बनाई गई थी, विशेष इस तरीके के रणनीति को अंजाम दिया गया था कि वहां पर बेहतर प्रदर्शन हो, और फिर एक बार पूर्वांचल से गच्चा खा गई भारतीय जनता पार्टी और सबसे ज्यादा नुकसान कहा जाए। और ये अब गहन मंथन का विषय भी आ गया कि आखिर वो कौन से लूप होल रहे या पार्टी किस में पीछे पिछड़ गई, इस पर कहीं ना कहीं गहन मंथन होने की जरूरत है, पार्टी को इसको लेकर के रुख रखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक आपका।